જનતા ને ગુજરાત કે ખેડૂત ને પાક વીમા જમા કિયા ઉસસે આધા ભી પાક વીમા ઉસમે આધા ભી જો પૈસા ઇન્હોને કલેક્ટ કિયા આધા ભી પૈસા ઇન્હોને પિછલે 2-3 સાલ મે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કિયા નહીં હૈ યે ફિગર હૈ પરેશભાઈ કે પાસ ભી હૈ ચાહે તો હમ ભી આપકો ફિગર પ્રોવાઇડ કરેંગે આપ 3-4 હજાર કરોડ રૂપિયે ગુજરાત કે કિસાન સે ઇકઠ્ઠા કર રહે હો ઓર આધે ભી પૈસે કિસાન કો ઉસકે બુરે વક્ત મે દે નહીં રહે હો કિસકે લિયે પાક વીમા આપ કંપનિયાં ચલા રહે હો क्या राज्य सरकार की केंद्र सरकार की साठगांठ है आपके 4-5 उद्योगपति दोस्तों को मदद करने के लिए ये काम हो रहा है सब बातें अगर 3-4 लोगों को ही और 3-4 बड़े उद्योगपतियों को देना है तो देश की पीएसयू आप खत्म करना चाह रहे पाक विमा के बारे में मुझे याद है प्रधानमंत्री ने कहा था कि खेत में पानी आएगा पानी खेत में ज्यादा पानी आएगा तो आपको पाक विमा मिलेगा आपके खेत का नुकसान होगा तो पाक विमा मिलेगा गांव के हिसाब से पाक बीमा मिलेगा मंडल की बात नहीं होगी ब्लॉक की बात नहीं होगी गांव गांव के हिसाब से वहां पर हम प्लान करेंगे लेकिन पाक बीमा कंपनी तो 72 घंटे की बात करती है 72 घंटे में कांटेक्ट नहीं हुआ तो कोई पाक बीमा गुजरात के खेडूतों को नहीं मिल रहा ये गुजरात की हालत है जहां से प्रधानमंत्री आते हैं जहां से वित्त मंत्री जहां से गृह मंत्री आते हैं उस प्रदेश की ये बात है और इसलिए ये जो बाई इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये खेडूतों की कहीं ना कहीं सोच और खेडूतों ने अपनी बात इस इलेक्शन के माध्यम से रखी है कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है आत्महत्याओं की बात देखिए पूरे देश में आत्महत्याओं का रेट बढ़ते जा रहा है उस कृषि क्षेत्र का विकास का दर अगर अभी देखा जाए तो वो 2% से भी नीचे कृषि क्षेत्र का विकास का दर हुआ है और इससे स्पष्ट है कि अगर कांग्रेस के राज्य में जिस प्रकार से समर्थन मूल्य मिलता था अभी समर्थन मूल्य भी नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि इतना मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए अभी देश की सरकार आपकी राज्य की सरकार आपकी सब जगह आप हो तो क्यों खेडूत को आप न्याय नहीं दे रहे हो क्यों किसान को आप न्याय नहीं दे रहे हो ये सवाल हम करना चाह रहे हैं आपने एक बात अगर नोटिस की होगी कि घर में अगर कोई दिक्कत आती है और पैसे नहीं है तो सोना कहीं ना कहीं बेचते हैं गिरवी रखते हैं इस देश में पहली बार इस देश में अगर आपने देखा होगा कि 1990 के बाद पहली बार आरबीआई को खुले बाजार में अपना गोल्ड रिजर्व बेचना पड़ा है यानी आरबीआई का गोल्ड रिजर्व बेचने तक बात आई है आप आपके बैंक में का सोना बेचने तक ये अर्थव्यवस्था अब निचले स्तर पर चल रही है और हर साल अगस्त 2019 में 1,76,000 करोड़ रुपए आरबीआई से आपने मांग के लिए 2014-15, 15-16, 16-17 और 17-18 में 2,13,000 करोड़ 2,13,000 करोड़ आरबीआई से मोदी सरकार ने मांगे हैं देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यानी आरबीआई से मोदी सरकार ने पिछले 6 साल में 3,90,000 करोड़ रुपए आपने मांगे हैं जो आरबीआई ने विशेष परिस्थिति के लिए रखे थे अगर युद्ध होता है देश बड़े गहरे संकट में है इसके लिए रखे थे लेकिन अभी लगता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ देश जा रहा है पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मुश्किल में है और बैंकों के बारे में तो क्या बताएं नोटबंदी करते वक्त मोदी साहब ने कहा था कि बैंकों में पैसा रखिए अब बैंकों में पैसा रखेंगे तो बैंक डूब रही है पीएनसी बैंक का महाराष्ट्र पंजाब बैंक का एग्जाम्पल आपके सामने है कि 10-10 हजार रुपए के लिए आम आदमी को आम महिलाओं को आम लोगों को परेशान होना पड़ा यानी बैंक भी अब 1 लाख से ज्यादा की इंश्योरेंस की बात करने नहीं है बैंकों का एनपीए अगर आप देखेंगे तो वो एनपीए अगर उसके पूरे बट्टे खाते की राशि अगर देखेंगे तो 8 लाख करोड़ रुपए बैंकों का टोटल एनपीए हुआ है और 25,000 धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं पिछले 6 साल में 25,000 धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं जिसमें बैंकों को 1,74,000 करोड़ रुपए का सोना लगा है और मोदी सरकार ने ये नियम बनाया है कि नागरिकों का पैसा लूटो और भाग जाओ ना विजय माल्या मिल रहा है ना दलित मोदी मिल रहा है ना नीरव मोदी मिल रहा है
सब लोग कहीं ना कहीं बैंकों को लूट कर निकल जा रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति पिछले 6 साल में सामने आई है। ना घोषित समर्थन मूल्य मिल रहा है। आप गुजरात की बात देखिए, कहीं भी जो जिस फसल के लिए समर्थन मूल्य की बात रही थी, कोई समर्थन मूल्य अभी मिला नहीं है। और इसीलिए हम आपके माध्यम से गुजरात की जनता का दर्द, देश की जनता का दर्द जो है कि युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इमरजेंसी की तरफ जा रही है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और इस दिशा में इसके बारे में सरकार के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। कम से कम अभी तो आप जागरूक और देश की अर्थव्यवस्था सुधारने की दिशा में काम कहीं ना कहीं आपकी तरफ से स्टेप्स उठाओ, ये बात है। और मैं गुजरात की जनता का फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये समर्थन जो भेटा चूंटनी में हमें दिया। कल हमारे दूसरे विधायक भगा भाई का भी सस्पेंशन रिमूव हुआ है और मुझे लगता है कि 73 तक हम पहुंचे हैं। जनता के आशीर्वाद से, जनता के ये इशू लेकर हम जमीन पर जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर हमारा आंदोलन होगा, जिला स्तर पर हमारा आंदोलन होगा और आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन होगा। करीब 15 तारीख के आसपास की डेट हमें एक दिन में आपको कंफर्म देंगे और इसमें राष्ट्रीय स्तर के और नेता भी आएंगे और 1 दिसंबर को हम दिल्ली में इसके खिलाफ की रैली करने जा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था उध्वस्त करने के खिलाफ, देश के युवाओं को बेरोजगार रखने के खिलाफ और देश के किसान और खेडूतों को पूरी तरह से राहत न देने के खिलाफ हमारा ये आंदोलन होगा। हम आपसे भी विनती चाहेंगे कि हमारे इस आंदोलन को आपकी तरफ से भी पब्लिसिटी मिले। फिर से एक बार सभी साथियों का आने के लिए धन्यवाद।